वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र का पेपर लेके आए हैं, विषय भूगोल का पेपर लेके आए हैं। आपका देख सकते हैं जो आपका भूगोल का पेपर है वो आ चुका है, फाइनली जो रियल पेपर है वो आ चुका है। आप देख लीजिए, आपको पूर्णांक 70 अंक रहेगा, आप समय 3 घंटे दीजिए, आपको इस प्रकार से निर्देश है। अब चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की ओर। इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए एवं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड अबाउट में जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से विद्वान ने भूगोल जियोग्राफी शब्द टर्म का प्रयोग किया, तो आपको ये लिख लेना, शायद स्टोनेजी होगा, आपको ये देखकर लिख लेना। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, तो आपको ये लिख लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूगर्भ की जानकारी, जो भूगर्भ की जानकारी है वो का प्रत्यक्ष साधन है, तो भूकंपी तरंगे, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का चुंबक। फिर जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य की जाती है, 90, 120, 100, 150। अगर आपको इसके आंसर शीट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी बहती है, सोन, नर्मदा, यमुना, लूनी। फिर जो नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन लगभग वर्षों आरंभ हुआ, विषय कालिक संश्लेषण करता है। फिर जो नेक्स्ट है, सेल प्राथमिक शैलें हैं, तो कौन सी सेल प्राथमिक शैलें हैं, आपको लिख लेना, चंदन के वन, तरह के वन के उदाहरण हैं। फिर जो नेक्स्ट है, भूकंपी तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। फिर जो नेक्स्ट है, नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको लिख लेना है। फिर जब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर सिलेशन की वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पर है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाई मिलाइए, पंचनद, बंगाल की सोख, डेड बेटी चोटी, अग्नेय सेल, सबसे ऊंची बादल। फिर जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, किसी अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। फिर जो नेक्स्ट है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। फिर जो नेक्स्ट है, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। फिर जो नेक्स्ट है, मैदा देवी जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है। फिर जो नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। फिर जो नेक्स्ट आता है, किस राज्य में लोकताक झील स्थित है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न आता है, सत्य असत्य लिखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए, तो जो फर्स्ट है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे घटक जल वाष्प है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सामने निकट होती है। फिर जो अगला प्रश्न है, घाघर नदी हिंद नदी से निकलती है। फिर जो अगला प्रश्न आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के दो बराबर भागों में बांटती हैं। फिर जो अगला प्रश्न है, स्वर्ण और नदी स्वर्ण और चांदी आध्यात्मिक खनिज के उदाहरण लिए हैं। फिर जो अगला प्रश्न आता है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में आपको 44% क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है, स्वर्ण और चांदी के आध्यात्मिक खनिज के उदाहरण है, आपको ये लिख लेने हैं, आपको इसके सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों बंद नहीं होता। फिर जो नेक्स्ट है, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइबेरिया के मैदान में आपको ये लिख लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, साइल से आप क्या समझते हैं, तीन वर्गों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर चैनल का नाम लिख रहा है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, भूगर्भी तरंगे क्या है, तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रदीपी भारत के कोई 4 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। फिर जो अथवा क्वेश्चन है, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। आप फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वाहिनी से आप क्या समझते हैं। आपको फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। आपको यहाँ पर लिख लेना है, भारत का आंशिया देश त्रिविस्तार लिखिए। फिर जो अथवा क्वेश्चन, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूकंप के कोई 2 प्रकारों को समझाइए। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, वर्णन के प्रकारों के नाम लिखिए। फिर जो नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, ओस किसे कहते हैं। पृथ्वी पर ताप का असमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। फिर जो अथवा क्वेश्चन है, वायुमंडल के
संगठन की व्याख्या कीजिए। फिर जो नेक्स्ट है, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्णीकरण लिखिए। अथवा का जो क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, वायुमंडल का जो नामांकित चित्र बनाना। फिर जो नेक्स्ट है, बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्णीकरण कीजिए। अथवा का जो क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी में कुछ तीन अंतर लिखिए, तीन अंतर आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट है, भारत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीप समूहों का तुलनात्मक विवरण लिखना है आपको। फिर जो नेक्स्ट है, वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए। फिर जो नेक्स्ट है, सुंदर वन जीव मंडल नीचे का वर्णन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन, आपको बिग बैंग का सिद्धांत का वर्णन लिखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अवयत आकृति से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अवयत का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है, कैंतीस सेल क्या है, इसके प्रकार रूप निर्माण पद्धति का वर्णन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट, अथवा आद्र शुष्क प्रदेश जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल ही सबसे महत्वपूर्ण कारक है, विस्तार में वर्णन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र आपको दिया जाएगा, मानचित्र आपको भरना है, तो इसमें कर्क रेखा, नर्मदा नदी, दिल्ली बंगाल की खाड़ी, थार मरुस्थल। फिर जो अथवा में रहेगा आपका, 82°30' आर गंगा नदी, छोटा नागपुर का पठार, अरब सागर, कंचनजंगा, आपको ये भर लेना है। फिर आप भर कर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।